रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस लाइफ में सच और झूठ का फैसला करना बहुत डिफिकल्ट है। कौन सा झूठ कब सच बन जाए कोई नहीं जानता। एक साल पहले मैं भी नहीं जानता था कि मेरी लाइफ में ये सब होने वाला है। Yes? जी वो अग्रवाल सर है। वो तो शॉप पे हैं। शॉप पे? इस वक्त कौन जाता शॉप का? कहाँ है उनकी शॉप का? अरे सराफा मार्केट में कृष्णा ज्वेलर्स में। तो आप उन्हें फोन कर दीजिए या मुझे नंबर दीजिए, मैं फोन करता हूँ। ये मेरा फोन है। ये आपको नहीं देखना चाहिए था। हेलो सुनो, यहाँ पर ना कोई आदमी तुमसे मिलने के लिए आया है और पता है उसके पास ना 10 डायमंड भी है और मुझे लगता है वो चोरी किए। एक एक डायमंड 4-4 कैरेट का है, मतलब पर पीस 20 लाख्स। पक्का असली है ना? प्रेमा दिस इज माय जॉब, असली और नकली का फर्क मुझे पता है। बस एक बार गलती हो गई थी। अच्छा अब कम से कम 2 करोड़ का माल है, दिखाओ। अच्छा तुम्हें पता है वो हाफ से भी कम प्राइस में बेचने के लिए तैयार है। 25 लाख चाहिए। 25 लाख? हाँ बेचारे की मजबूरी है ना, बेचारे की बेटी को ना किसी ने किडनैप कर लिया और पता है 25 लाख की डिमांड करी है। ठीक है, लेकिन पूरा आदमी नहीं, मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपनी बेटी को बचाने के लिए कर रहा हूँ। देखो ये सब तो ठीक है, लेकिन 25 लाख बहुत बड़ी रकम है। 25 लाख घर में कौन रखता है? हम रखते हैं ना। है? हाँ लेकर आओ। ले आओ। ठीक है मैं लेके आती हूँ। वैसे करते क्या हो? बनाते क्या? चुरंग की फैक्ट्री है हमारी। शुक्रिया, आप दोनों का एहसान मैं कभी नहीं भूलूं। थैंक यू। तुम वापस आ गए? देखो तुम्हें एक पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा। अब पैसे नहीं चाहिए, डायमंड चाहिए जो इन्हें दिए थे। इन्हें हमारे पास कोई डायमंड नहीं है। मैडम चोरी का माल खरीदने के इल्जाम में आपके हस्बैंड तो जेल जाएंगे ही, साथ में आप भी जाएंगी। नहीं नहीं ये बैग हमारा नहीं है, इतना घटिया बैग हमारा नहीं हो सकता और हमारे पास कोई डायमंड नहीं है। हाँ हाँ आप चाहो तो हमारे घर की तलाशी कर लो। सबसे पहले तो आपकी तलाशी लेनी पड़ेगी। ऐसे कैसे? आप लेडीज को टच नहीं कर सकते बिल्कुल भी। हाँ हाँ नहीं कर सकते। मैं नहीं करूंगा, ये करेगा। मैं? ये? वो क्या है? क्या क्या? हाँ क्या? ये? चलो भाई तुम्हें चोरी का माल खरीदने के इल्जाम में अरेस्ट किया जाता है। मैडम कोई अच्छा सा वकील करना, क्योंकि इनकी जमानत तो होने वाली नहीं है। प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत अच्छे लोग कि जो कुछ करें मेरी मदद करने के लिए करें। तो भाई इनसे कहो थोड़ी सी मदद इस गरीब पुलिस वाले की भी कर दें, तो बदले में मैं इनकी मदद कर दूंगा। भाभी जी घर पे और कितने पैसे पड़े? अरे 25 लाख तो दे चुके हैं, इससे ज्यादा कोई पैसे रखता है क्या घर पे? हाँ हम रखते हैं ना। 10 लाख पड़ा है, मैं लेके आती हूँ। हाँ, आप जाके लेके, मैं इन्हें पटाता हूँ। थैंक यू। सर ये आपके डायमंड्स और ये डायमंड्स का भाड़ा 2 लाख, ये वर्दी का भाड़ा 4,000। सदर भाई ये आपका 5 लाख। बस 5 लाख? यार इस डील में तो बराबर की पार्टनरशिप होनी चाहिए ना। क्यों सफदर भाई, प्लान हमने बनाया, मार्क हमने ढूंढा, डबल डील हमने की, ट्रैपिंग हमने की, आपको एक रोल के लिए 5 लाख कम है क्या? ठीक है ये ले। अबे खुश? ठीक है यार। पापा कैसा था आज का दिन? अच्छा। स्कूल में क्या क्या सीखा आज? ये सब छोड़ो, ये बताओ मेरी चॉकलेट कहाँ है?
बहुत लालची हो गई हैं आप, बिल्कुल पापा पे गई हैं। आपके रूम में रख जाओ। थैंक यू। यार कितना बड़ा हरामी है यार तू, अपनी इतनी प्यारी बच्ची की किडनैपिंग की कहानी सुनाता। अगर किसी दिन सचमुच किडनैप हो गई ना, लाश तक नहीं मिलेगी। क्या बोला? अगर किसी और ने मेरी बेटी के बारे में ऐसा कुछ कहा होता ना, तो उसको जान से मार देता मैं। वो जान है मेरी, समझा क्या? आज के बाद दिखना मत। चल, चल। लवली, ये वो औरत है जो उस रात रमाकांत झा के साथ उसकी टैक्सी में थी। यही मुझे बता सकती कि रमाकांत झा की टैक्सी से 7 साल की बच्ची की लाश डिस्कवर करने वाला कॉप कौन था, वो पुलिस वाला कौन था जिसने रमाकांत झा को फंसाया था। पिंकी, डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई जोर जोर से ढप ढप कर रहा है। डरो मत बेटा, कुछ नहीं है, चलो। Thanks. Cheers. Sorry, पिंकी मेरी बेटी है, आवाज से डर गई थी। बहुत प्यारी है। है ना? लेकिन बीमार रहती है, उसके पेट में फोड़ा है और डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए 5 लाख की जरूरत है। 7 साल की उम्र में ऐसे कैसे किसी को बीमारी हो सकती है, मुझे समझ में नहीं आता है। तुम्हारी बेटी भी 7 साल की है? नेक्स्ट मंथ हो जाएगी। वो बच्ची भी 7 साल की थी ना? कौन सी बच्ची? जिसकी लाश मिली थी रमाकांत की टैक्सी की डिक्की में। कौन हो तुम? तुम उस रात रमाकांत के साथ थी। मुझे इसके बारे में कुछ बात नहीं करनी है, तुम निकल जाओ यहाँ से। मुझे बस, मैंने कहा मुझे इसके बारे में कुछ बात नहीं करनी है, जस्ट गेट आउट। उसका अरेस्टिंग ऑफिसर, गेट आउट। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग, क्या हो रहा है? मैम, मरने वाले का नाम महितोष नेगी है और जेब में ये आईडी कार्ड भी मिला है। पता लगता है कि लोकल प्लास्टिक फैक्ट्री में बंदा कैशियर था, उसका ये मोबाइल फोन मिला है, आप देखना चाहिए। जेब में सुसाइड नोट भी है, एडिक्टेड गैम्बलर लगता है। जब जिंदगी धोखा दे दे तो मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। 4 दिन पहले जब बार में तानिया मुझे मिली तो लगा मेरी किस्मत की चाबी मिल गई। तानिया ने मुझे गेम की वो दुनिया दिखाई जो मैंने कभी नहीं देखी थी। यहाँ बड़ा गेम होता है, रियल गेम। बिग गेम और बेटिंग के लिए पैसे थे मेरे पास और तानिया के पास अंदर की इनसाइड इंफॉर्मेशन। तब मुझे पता चला कि गेम सेट होता है। तानिया की हर टिप सही थी। मैंने 3 दिन में इतना पैसा कमा लिया जो मैंने जिंदगी में नहीं कमाया था। तानिया के फिक्सर की टिप कभी गलत नहीं निकलती थी, इसलिए मैंने बड़ा गेम खेलने का प्लान बनाया। फैक्ट्री का पूरा पैसा मैंने दाव पे लगा दिया, सब कुछ दाव पे लगा दिया, लेकिन वही दाव उल्टा पड़ गया। हेलो, क्या क्या बकवास कर रहा है? हम लोग बैट लगा चुके हैं, तूने बोला था वो लास्ट ओवर के पहले बॉल पे आउट हो जाएगा। हेलो हमारे प्लेयर्स ने पैसे लेने के लिए मना कर दो। बताओ, फेवरेट के हारने पर पैसे लगाए? बैड लक होना ही था। ये बैड लक नहीं था। तो इट वाज अ कॉन गेम। मैं तो स्मार्ट था, यानी शिकार। तानिया रोपर थी, यानी शिकार को लाने वाली।
पहले जीतना बेट था यानी चारा और आखिरी दाव फाइनल गेम, इट वाज अ कॉन गेम। कॉन गेम में काफी एक्सपर्टीज है तुम्हें। हाँ, बहुत साल ट्रेनिंग ली थी। मैम, ये रही फोटोग्राफ्स। तो ये है वो लड़की तान्या, इसने महितोष को अपना शिकार बनाया था। हमें किसी भी तरह इस लड़की को ढूंढना होगा। मुंबई या दिल्ली? तान्या, I would prefer either your place or mine. What? मतलब मुझे क्रेडिट के बारे में इतनी इनफॉरमेशन नहीं है। तुम्हारा सोर्स कितना सॉलिड है? अभी पता चल जाएगा। Give me your phone. वो मेरा फोन लेके जा चुकी है। मैं शायद जब तक वापस आएगी, फोन के टाइम में कम से कम 5 मिनट का डिफरेंस होगा। कितना लाउड बात करता है। मैडम, आप उसको बोली नहीं कि धीरे धीरे करने का, और दूर से करेगा तो बेटर है ना। लेकिन हमारे कोहली साहब दूर से करने में, धीरे धीरे करने में बिलीव ही कहाँ करते हैं। बात पता नहीं तुम दोनों पहले ही थे या कोहली के आने पर हो गए हो। मतलब For what, stupid? Knuckle delivery, and it went out. Into swing. उसने बताया ओपनर पहली दो बॉल पे बाउंड्री मारेगा, तीसरे पे आउट, फिर भाव पर जाएगा। अब देखते हैं। बॉस, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, बाउंड्री भी लग चुकी है। लेकिन वहाँ मैच 5 मिनट लेट चल रहा है, इसीलिए अभी ये सब होने वाला है। लेकिन लाइव मैच 5 मिनट कैसे लेट हो सकता है? I mean, Is it even possible? I'm sure original telecast इसी बंगलों के किसी दूसरी जगह पे होगा, जहाँ live telecast को record किया जा रहा है, और वहीं से 5 मिनट delay के साथ main screen पर relay किया जा रहा है। Uniform वालों से कहो कि तैयार रहे, जैसे इस पूरे game का mastermind वहाँ आएगा, हम raid कर देंगे। हम जीत गए। Well played, Mr. Kohli. You are right again. Thank you very much. आज के लिए इतना काफी। मैं आज तक कोई भी गेम आधा छोड़ के नहीं गया। तुम्हारा सोच क्या कहता है, कौन जीतेगा ये गेम? वो तो लास्ट ओवर तक चलेगा, जैसे जैसे भाव बढ़ेगा वैसे वैसे फिक्सर अपनी सेटिंग करता है। मैं सोच रहा हूँ कि एक और बेट खेल, फुल इन फाइनल। इतनी जल्दी क्या, अगली बार आएंगे तो पक्का। अगली बार मेरे पास कुछ होना हो उसकी कोई गारंटी नहीं, इस बार मेरे पास 50 पेटी। कैसा? 50 पेटी का बैठे हैं, मतलब इसकी विनिंग खोके में। इतना पैसा है तुम्हारे पास? सर, अगर आप जीत गए तो कैश अवेलेबल हो जाएगा। हाँ। वैसे भी ये बिजनेस तो है ही गुड फेथ का। तो ऐसा कर, आप पहले मुझे कैश दिखा दो, फिर गुड बेटर बेस्ट जो फेथ बोलेगा लगा, नहीं तो मैं निकलता हूँ। मैडम, ये कैश देखना चाह रहे हैं, इन्हें हम पे भरोसा ही नहीं है। हाँ, तो गलत क्या है इसमें, अश्योरेंस तो होनी चाहिए ना। अब आप भी तो बैट लगाने से पहले पैसे देखते हो ना कि पार्टी के पास पैसे है या नहीं है। बट इतना रोकड़ा। आप ना अपने बॉस को फोन कीजिए, उनसे पूछे कि अगर वो कैश शो कर सकते हैं तो ठीक है, वरना हम तो चले, है ना। तुम्हारे पास सच में 50 लाख रुपए है? सर, बॉस से मेरी बात हो गई है, आपके एश्योरेंस के लिए वो खुद कैश लेकर आ रहे हैं। गुड। ओके एवरीवन, कोहली ने चाल चल दी है, तान्या ने बॉस को कॉल करने को कहा है, इसका मतलब है कि इतने कैश के साथ जो भी आएगा वही इनका मास्टरमाइंड होगा। इट्स हाई टाइम, नेक्स्ट शोर में पूरा गेम पलटने वाला है। ये लाइफ टाइम स्पिनर है ना, इसके एक ही ओवर में 3 बैट्समैन आउट हो जाएंगे और पूरा गेम वन साइडेड हो जाएगा। ओह, मिस्टर शेरवानी, ये रहे मेरे फ्रेंड सुधीर कोहली और मिस्टर शेरवानी। तो ये है व्हाइट व्हेल। इसे फंसा के लेके आइए। 86 for 4। तू जानती नहीं है कौन है ये व्हेल? नहीं,
शाक है, बाप है हमारा। आई थिंक कोहली का कवर ब्लो हो चुका है, ही इज इन डेंजर। आप एक दूसरे को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। मेरी अम्मी कहती थी काली जबान है मेरी, जो बोलता हूँ सच हो जाता है। अकेले में बात कर सकते हैं? तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो सारा गेम पहले से पता होगा ना? तेरे आखिरी शिकार ने जब सुसाइड किया ना, मुझे क्या, पुलिस को भी पता है। दिस सफदर का जिंदा रहना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। यह कोई नहीं जानता था कि सफदर ने मुझे गन पॉइंट पे नहीं लिया था, यह मेरी ही चाल थी। वो चाहकर भी मुझे शूट नहीं कर सकता था। हमारे कोहली साहब भी कमाल के हैं, नकली नोट से असली कैश निकलवा दिया। आप ये लीजिए, इसे सील मार के अच्छी तरीके से जमा करवा दीजिएगा, ठीक है? पैसे कहाँ है? जमा करा दिया। कहाँ जमा करा है? वैन में। किसके साथ? पता नहीं, पर पुलिस वाला था। गो फाइंड हिम नाउ। मुझे लगता है उन्हीं का एक गैंग मेंबर था, शायद वो ही ले गया पैसे। वैसे वो सफदर शेरवानी कुछ कह रहा था जब हमारा कांटेक्ट टूट गया था। क्या कह रहा था वो, तुम जानते थे उसे? नहीं, मैं नहीं जानता था उसे। शायद वो पहचान गया था कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, एक हरामी पुलिस वाला। वो तो तुम हो। थैंक यू। कैसा था तुम्हारा दिन? You had fun? Good. तुम यहाँ? ये 4 रुपए जो तुम्हें चाहिए थे, ये बेटी के इलाज के। लेकिन क्यों? मेरी भी एक बेटी है, इसी की उम्र की। मैं जानता हूँ एक बेटी को खोना क्या होता है। वो पुलिस वाला नहीं था। जिसने रमाकांत झा को अरेस्ट किया वो पुलिस वाला नहीं था, पुलिस वाली थी। जिसने रैंडम चेकिंग के लिए गाड़ी रुकवाई थी और इत्तेफाक से डिक्की में 7 साल की बच्ची मिल गई। तुम उसका नाम जानती हो? साक्षी रंजन। साक्षी रंजन, उसे कैसे पता चला कि रमाकांत झा की टैक्सी में एक लाश है? 7 साल की बच्ची की लाश। और अगर रमाकांत झा ने ही उस लड़की को किडनैप किया और उसका मर्डर किया, तो मेरी परी को किडनैप करने वाला कौन था?